हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज AK कुशवाहा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर विथ AK कुशवाहा। वेलकम इन दिस सेशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल स्टडी अ पोम on his blindness, which is the third chapter of English poetry of 12th class UP board. On his blindness is a sonnet. It is a personal sonnet of the poet John Milton. It is an Italian sonnet, Miltonic sonnet. There are two part in the Miltonic sonnet: octave, first 8 lines of the poem, and sestet, last 6 lines of the poem. Octave shows the problems of the poet, and sestet gives a solution. This is the personal sonnet of John Milton. John Milton was an expert musician and a great poet. He lost his eyesight when he was 44 years old. In the poem, the poet expresses his mental agony. The poet complains to God against the injustice done by him in taking away his eyesight. तो कवि दुखी है। दुखी इसलिए है क्योंकि 44 वर्ष की अवस्था में ही उसके पोएटिक टैलेंट, कविता करने की टैलेंट को उससे छीन लिया गया। ये उसकी मानसिक पीड़ा है। तो कभी इस अन्याय के विरुद्ध ईश्वर से शिकायत करता है। आइए शुरू करें आज की हमारी पोएम। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, हियर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, and that one talent which is death to hide lodge with me useless though my soul more bent. Consider, think, सोचना, light, eyesight, आँखों की रोशनी। जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी कैसे लास्ट हो गई, समाप्त हो गई, नष्ट हो गई। इर हाफ माई डेज हाफ माई एज, हाफ माई डेज हाफ माई एज, एर बिफोर, कहा मेरी आधी उम्र से पहले। जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आधी उम्र से पहले मेरी आँखों की रोशनी कैसे समाप्त हो गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, द वर्ल्ड फुल ऑफ डार्कनेस, वर्ल्ड एंड वाइड, डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, the world full of darkness, the whole world looks him full of darkness, there is no ray of light anywhere for the poet. तो कहा आधी उम्र से पहले 44 वर्ष की अवस्था में ही उसकी आँख की ज्योति, आँख की रोशनी उससे छीन ली गई। कैसे अंधा हो गया, पूरा संसार उसे अंधकार में दिखाई देता है। एंड दैट वन टैलेंट, और एक जो टैलेंट है, टैलेंट ऑफ एबिलिटी ऑफ राइटिंग ऑफ पोएम्स, टैलेंट राइटिंग एबिलिटी ऑफ द पोएम्स, कविता लिखने की कला, विच इज डेथ टू हाइड, कहा कि ये तो नष्ट हो जाएगी,
उसके अंदर ही अंदर यह गुण जो कविता करने का है मेरे लिए एक छिपाना मेरे लिए छिपाना मृत्यु के समान है, विच इज डेथ टू हाइड, मेरे लिए इसको छिपाना डेथ के बराबर है। लॉज विथ मी यूजलेस रिमेंड यूजलेस विथ मी, कहा मेरे लिए ये यूजलेस रही, बेकार रही। दो माई सोल मोर बेंट ऑल दो द पोएट वॉन्ट्स टू डू समथिंग ही इज ईगर बेंट ईगर, उत्सुक होना इच्छुक होना, वह इसका उपयोग करना चाहता है, इस पोएटिक टैलेंट का पोएटिक एबिलिटी का उपयोग करना चाहता है, बट ही कांट ड्यू टू ब्लाइंडनेस। सो नेक्स्ट स्टंजा देखेंगे, टू सर देयर विथ माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू काउंटलेस ही रिटर्निंग चाइल्ड, डॉथ गॉड एग्जैक्ट डिले बर लाई डिनाइड, आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट। टू सर देयर विथ, सर सेवा करना, देयर विथ फ्रॉम विच जिससे, कहा जिससे मैं अपने मेकर की क्रिएटर की सृष्टा की रचना करने वाले की सेवा नहीं कर सकता। कविता करके कविताएं लिख करके भजन कीर्तन हिम इत्यादि लिखकर मैं अपने बनाने वाले की ईश्वर की सेवा नहीं कर सकता। एंड प्रेजेंट और उपहार जो ईश्वर ने उसे दिया है, पोएटिक टैलेंट दिया है, कविता करने की कला दिया है, उसका उपयोग नहीं कर सकता। माई ट्रू अकाउंट लिस्ट रिटर्निंग चाइल्ड कहता है कि कहीं ऐसा न हो कि लिस्ट मीन्स कहीं ऐसा न हो कि उसे डांट फटकार डांटा जाए फटकारा जाए। कहा मैं अपना उचित लेखा जोखा ईश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिससे उसके बदले वह मुझे मृत्यु के पश्चात न्याय के समय फटकार न लगा सके। माई ट्रू अकाउंट, वह अपना अकाउंट प्रस्तुत करना चाहता है, कभी कभी अपना अकाउंट लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहता है कभी भगवान के सामने ईश्वर के सामने, और इसलिए कि कहीं ऐसा न हो कि आफ्टर डेथ मृत्यु के पश्चात न्याय के समय ईश्वर उसको डांट फटकार लगाए। द पोएट वांट्स टू सर्व गॉड बाय राइटिंग पोएम्स बट ही कांट ड्यू टू ब्लाइंडनेस। इट इज हिज कीन डिजायर टू सर्व गॉड बाय राइटिंग पोएम्स, ही वांट्स टू यूज हिज पोएटिक टैलेंट्स। दिस इज द प्रॉपर वे टू गिव अ करेक्ट अकाउंट ऑफ हिज लाइफ बिफोर गॉड ऑन द डे ऑफ डे टू जजमेंट। डथ गॉड एग्जैक्ट डिमांड, मांग करना। डथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर लाइट डिनाई, डथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर लाइट डिनाइड, क्या भगवान मनुष्य के द्वारा किए गए कार्य की उम्मीद करता है? और जबकि उसकी लाइट आई साइट को उसे छीन लिया गया हो, ये क्वेश्चन है, कभी खुद से पूछता है, कहता है कि आई फाउंडली आस्क फाउंडली फुलिसली, मूर्खता बस मैंने पूछा कि क्या भगवान मनुष्य के द्वारा किए गए कार्य का लेखा जोखा चाहता है? क्या मनुष्य के कार्य की जरूरत है उसे?
और जबकि उससे उसकी रोशनी छीन ली गई हो, उसके आंखों की रोशनी से उसे वंचित किए जाने के पश्चात भी उससे दिन भर मेहनत करने की आज्ञा उम्मीद करता है, ऐसा कवि पूछता है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, यहाँ पेशेंस को पर्सोनिफाइड किया गया है, फिगर्स ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन धैर्य ने उसको रोका। प्रिवेंट चेक स्टॉप, पेशेंस वॉइस सोल, वॉइस ऑफ सोल आत्मा की आवाज। प्रिवेंट चेक स्टॉप, रोकना, तो आत्मा की आवाज उसे रोकती है, ऐसा क्वेश्चन करने से रोकती है। दैट मर्मर सून रिप्लाइज, मर्मर बड़बड़ाहट, इस बड़बड़ाहट को उसकी अंतरात्मा रोकती है। उसकी आत्मा सुन रिप्लाइज, रिप्लाइड आंसर देती है, उत्तर देती है, क्या कहती है? गॉड डथ नॉट नीड, डॉथ नॉट नीड, डज नॉट नीड, भगवान को जरूरत नहीं होती है आइदर मैंस वर्क, न तो मनुष्य के द्वारा किए गए कार्य की, और हिज ओन गिफ्ट, और न ही उसके खुद के द्वारा दिए गए उपहार की। हु बेस्ट, कहा वो सबसे अच्छा है, वे ही व्यक्ति सबसे अच्छे हैं, उसकी सर्वोत्तम सेवा करते हैं जो उसके द्वारा यानी ईश्वर के द्वारा दिए गए उत्तरदायित्व को अच्छी तरह निभाते हैं। बियर हिज माइल्ड यॉक, दे सर्व हिम बेस्ट, बियर हिज माइल्ड यॉक, यॉक मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, जो अपनी जिम्मेदारियों को सहन करते हैं, जी जो अपने उत्तरदायित्व को निभाते हैं, जो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से करते हैं, वे ही उसके अच्छे सेवक हैं, वे ही उसकी अच्छी सेवा करते हैं। द पोएट रियलाइजेज दैट द पीपल हु परफॉर्म देयर ड्यूटीज वेल आल्सो सर्व हिम वेल, सो ही शुड नॉट कंप्लेन अगेंस्ट गॉड। नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट, हिज स्टेट, स्टेट स्टेटस पोजीशन स्थिति, किंगली इज किंगली, हिज स्टेट इज किंगली, उसकी स्थिति राजा की तरह होती, किंगली लाइक अ किंग, तो उसकी स्थिति राजा की तरह होती है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, हजारों हजारों देवदूत उसकी सेवा में तत्पर रहते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, पोस्ट ट्रेवल फास्ट, पोस्ट ट्रेवल फास्ट, तीव्र गति, ओवरलैंड, ओवरलैंड ऑन ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, एंड ओशन सी वाटर, समुद्र जल इत्यादि। तो कहा कि उसकी स्थिति राजा की स्थिति होती है, हजारों हजारों देवदूत जल में और थल में उसकी सेवा बिना रुके, विदाउट रेस्ट, बिना रुके, बिना आराम किए करते। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, तो उसकी स्थिति राजा जैसी होती है, उसके पास उसकी आज्ञा के पालन के लिए हजारों देवदूत होते हैं जो बिना आराम किए हुए जल थल में तीव्रता से उसे आदेश का पालन करते हैं। वे लोग भी ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं जो स्वयं को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देते हैं। दे सर्व, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वे लोग भी ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं जो स्वयं को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देते हैं। द पोएट सेज दैट द पीपल हु आर ड्यूटीफुली
प्रिपेयर टू सरेंडर देमसेल्व टू द विल ऑफ गॉड सर्व हिम बेस्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये पोएम का अर्थ समझ में आ जाएगा और एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा। और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऑल्सो डू योर वैल्यूएबल कमेंट्स। थैंक्स।